S125 BS7 E20 वाली गाड़ी है, फिटिंग को लेकर पूरी तरह से रेडी है। पहले की जो BS6 गाड़ियां आती थी जिसके अंदर कार्बोरेटर लगा होता था, अब इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया। पहले क्या होता था कि जब भी गाड़ी को PDI करते थे तो स्टार्टिंग ट्रबल करती थी, फर्स्ट स्टार्ट काफ़ी लेट होता था, जिसके लेकर फ्यूल टैंक ओपन करते थे, कार्बोरेटर क्लीन करते थे, नीचे का जो फ्यूल ख़राब रहता था उसे निकालते थे जब गाड़ी स्टार्ट होती थी, काफ़ी ट्रबल करती थी। अभी मैंने इसके चाबी स्विच को ऑन किया, अभी देखते हैं कि क्या हमारी गाड़ी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट होगी या कार्बोरेटर वाली गाड़ियों की तरह यह भी ट्रबल करेगी। देखें, सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई क्योंकि इसके अंदर आप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, इंजेक्टर डायरेक्ट फ्यूल को छिड़काव करता है और UT सेंसर ECM को सिग्नल भेजता है इसके टेम्परेचर का। बट पहले ऐसा नहीं था, कार्बोरेटर वाली में काफ़ी प्रॉब्लम थी।